नमस्कार आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में जैसा कि हम क्लास 10th की यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं और अभी हम कुछ चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। आज एक हम नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए मेटल और नॉन मेटल बेसिकली क्या है, हमारे जो भी अर्थ है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्रोबेबली 118 है। उन 118 एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो बेसिकली उनको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो यहाँ पर जो चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो ही मेन पार्ट में। दे आर मेनली क्लासिफाइड इंटू द टू मेन ग्रुप्स। वैसे तो तीन में होते हैं लेकिन यहाँ पे दो ही में किया है, पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। ठीक है, और यहाँ पे इस चैप्टर में ना कुछ वर्ड्स नए नए आने वाले हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स हो सकता है आपने पहले सुने हो ना सुने हो, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। एक वर्ड जैसे है मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, या उसको हम मेलेबल कहते हैं। ठीक है, एक होता है डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वायर में कन्वर्ट कर दें, वो सब्सटेंस होता है डक्टाइल। और एक होता है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस को अगर आप थिन पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। तो मेनली हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे पास इस अर्थ में बहुत सारे मेटल, बहुत सारे एलिमेंट्स है, सॉरी, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। वो एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया मेनली टू ग्रुप्स में। वैसे होता है मेटलॉइड भी है, यहाँ हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई किया गया। कुछ नए वर्ड्स हैं, हो सकता है आपने ना सुने हो। पहला वर्ड है मेलेबल। मेलेबल मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अगर आप थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मेलेबल। अगर उस किसी भी सब्सटेंस को वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज डक्टाइल। और किसी भी सब्सटेंस को बहुत थिन पीसेज में काट देते हैं, दैट इज ब्रिटल। तो ये देखते हैं ये प्रॉपर्टीज किन के अंदर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, फिर मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर पढ़ेंगे हम नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कैसा आता है। मेटल क्या होता है, देखिए मेटल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और एक पॉजिटिव आयन बना ले। देखिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ आसानी से, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मेटल्स क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों बना रहे हैं, नेगेटिव चार्ज क्यों बना रहे हैं। हमने एक चीज पढ़ा था क्लास 9th में, दैट जे.जे. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। उसमें कहा था कि किसी भी एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड सोडियम। अब सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है, दैट डिपेंड्स कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है कि नहीं। अगर सोडियम की टेंडेंसी है, सोडियम की इच्छा है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो वो मेटल है। अगर सोडियम की टेंडेंसी है, इच्छा है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, एक्सेप्ट कर ले, तो वो नॉन मेटल है। तो इजी, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इस 11 का क्या मतलब है कि आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए मैं 11 को नेगेटिव से दिखा रहा हूँ। और मेरे पास 11 ही प्रोटॉन है, तो 11 प्लस दिखा दिया मैंने। अब देखिए क्या होता है कि सोडियम की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाली है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, किसी दूसरे को डोनेट कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे हमारे पास, 10। दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास, +1। इसीलिए सोडियम पे जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम डोनेट कर देता है तो सोडियम पे आ जाता है +1 का चार्ज। ठीक है, और इस +1 के चार्ज को हम क्या कहते हैं, कैटायन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वाटर मेटल, मेटल एक ऐसे एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या लूज करके पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव आयन क्रिएट करते हैं। इसीलिए मेटल को हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेटल्स की आपको ना ऐसे यहाँ पर मैंने फोटोज लगा दिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि कौन सा मेटल कैसा दिखता है, मेटल मेनली होते कैसे हैं। देखिए ये आयरन है, आयरन मेनली हार्ड होता है। ठीक है, कॉपर ये भी हार्ड है, वायर बनाने के लिए काम में आता है। एल्यूमिनियम देख रहे हैं, ये भी हार्ड है, उतना हार्ड नहीं होता जितना आयरन और या कॉपर होता है, बट स्टिल हार्ड होता है ना। तो एल्यूमिनियम है, केन्स बनाने के लिए काम में आता है, फूड जिसमें रख के खाना डिलीवरी करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, वो आता है। ठीक है, ये जिंक है, ये नट और बोल्ट बना हुआ है इससे। ठीक है, मर्क्यूरी, अभी ये एक्सेप्शन में भी पढ़ेंगे आपकी, मर्क्यूरी इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो ये मर्क्यूरी है। और ये सोडियम है, ये सॉफ्ट मेटल है। सोडियम सॉफ्ट मेटल क्यों है, देखिए यहाँ पे इसको आप नाइफ से काट देना, तो ये याद रखिएगा, आगे आएगा अभी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की। देखिए पहला है मेलेबिलिटी। जो मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं, उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मेटल्स आर मेलेबल, ठीक, दैट मेटल कैन बी बीटन इन टू द थिन शीट विद द हैमर, लोहे से पीट हथौड़े से पीट पीट के उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है डक्टिलिटी, तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं, उनका उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू स्ट्रेच इन टू द थिन वायर, उनको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंडक्टिविटी, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स होते हैं ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होने के लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ता है, और अभी हमने पढ़ लिया लास्ट स्लाइड में पढ़ा मैंने, है ना, पढ़ा है मैंने भी आपको कि जो मेटल्स होता है वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बैठे ही है, उनकी टेंडेंसी ही है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दें, लूज कर दें। सो कुल मिला के जो कंडक्टिविटी है वो उन्हीं की ज्यादा होगी जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लस्टर, मेटल जो रहता है वो लस्टरस रहता है, शाइनी रहता है, उनका जो सरफेस रहता है वो पॉलिश रहता है, देखते हैं सिल्वर के जो ऑर्नामेंट पहनते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते हैं, वो हमेशा शाइन करते रहते हैं, या कोई भी मेटल अगर आप देखेंगे ना वो मेनली आपको शाइनी नेचर का ही मिलेगा, ठीक है। हार्डनेस, देखिए मेटल जो होता है ना वो जनरली हार्ड ही रहता है ना, ज्यादातर मेटल्स हार्ड ही रहता है, कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये मेटल्स को हम इजीली नाइफ से भी काट सकते हैं, है ना, तो ये सॉफ्ट मेटल्स, ये एक्सेप्शन में है, इनको याद रखिएगा, बहुत सारे एक्सेप्शन आएंगे अभी इसमें। सो हमारे पास हार्डनेस ऑफ द जो मेटल है वो मेनली जो मेटल्स रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, वो नाइफ से भी कट जाते हैं। स्टेट, देखिए जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है, बट मर्क्यूरी एक ऐसा केस है जहां पर मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, पारा कहते हैं इसको, देखते होंगे जहां पे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए वो जो पारा ऊपर चढ़ जाता है, और थर्मोमीटर में जो बुखार चेक करने के लिए तो उसमें भी मर्क्यूरी होता है वो ऊपर चढ़ जाता है, तो जैसे ही मर्क्यूरी को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है ना, मर्क्यूरी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूम टेम्परेचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, बाकी सारे मेटल्स 25 डिग्री सेल्सियस पर, या रूम टेम्परेचर कहते हैं इसको, उस पे वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मेटल्स हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या रहता है, हाई रहता है, लेकिन बस कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे हो गया सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है, गैलियम और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो रहता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ, गैलियम एंड सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, इवन गैलियम को तो जैसे हाथ पे भी रखेंगे तो वो पिघल जाता है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आई गेस 28 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस सीजियम का ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे डेंसिटी, मेटल जो होता है ना वो मेनली डेंस होते हैं, हाई डेंसिटी रहती है उनकी, तो मेटल्स आर हाई डेंसिटी, जैसे पानी के अंदर अगर आप उन मेटल्स को डालेंगे ना, जैसे सिक्का भी देखिए आप पानी के अंदर डालते हैं, नदी के अंदर डालते हैं, तो सिक्का डूब जाता है, क्यों डूब रहा है, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी ज्यादा है पानी से तो वो नीचे डूब जाता है ना, तो ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, तो जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरता रहता है, जैसे आप देखेंगे थर्माकोल वो ऊपर तैरता है, भले इवन वो सॉलिड है बट उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कॉइन होता है, जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वो पानी के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, तो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ने बहुत खराब किया हुआ है ना, हर आप देख रहे हैं हर एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम आ जा रहे हैं, विच हैव द लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सोनोरस मेटल जो होते हैं वो जनरली सोनोरस ही होता है, मतलब जब भी मेटल को बीट करते हैं तो उनमें से रिंगिंग साउंड निकलता है, रिंग जैसे साउंड निकलता है, ठीक है, जैसे मंदिर की घंटियां कोई भी बजाई है ना, आप उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उसमें से रिंगिंग साउंड निकलता है, कुछ देर तक वो साउंड फैलता है उसी मंदिर के अंदर तक, ठीक है, तो रिंगिंग साउंड है, जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होता है, ठीक है। दैट इज मेटल कैन मेक साउंड व्हेन हिट इन ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप हिट करते हैं तो वहां पे एक रिंगिंग साउंड निकलता है उसके अंदर से, ये सोनोरस प्रॉपर्टी है। कलर, देखिए मेनली जो मेटल्स होता है ना वो ज्यादातर सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, और कुछ थोड़े से गोल्ड कलर के, गोल्डन कलर के भी होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब थोड़े से गोल्ड कलर के होता है, लेकिन मेनली जो मेटल्स हैं, जैसे आप कोई भी मेटल उठाएंगे ज्यादातर वो आपको सिल्वर या ग्रे कलर का ही मिलेगा, है ना, जैसे एल्युमिनियम भी आप देखिए सिल्वर या ग्रे कलर का था, नट बोल्ट देखा हमने
वो भी सिल्वर या ग्रे कलर का था। मर्क्यूरी देखा हमने, वो भी सिल्वर या ग्रे कलर का, वैसे ही कलर था ना उनका अप्रोक्सीमेटली वैसा। मैं थोड़ा कमजोर हूँ कलर के मामले में, बट स्टिल वो कलर वैसा ही था लगभग लगभग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ गए हैं कहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पे। हमें केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक, और वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन बनाते हैं। ठीक, आगे ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मर्क्यूरी और सोडियम के कुछ पिक्चर्स आए, यहाँ पे मैंने लगा दिया है ताकि आप देख सकें, फील कर सकें कि एलिमेंट्स या मेटल्स कैसे होते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी, जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब उनका वायर बना सकते हैं। कंडक्टिविटी, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं। ठीक है, लस्टरस होता है, शाइनी नेचर होता है। हार्डनेस, हार्ड होता है वो मेटल बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट मेटल्स होता है ना, मतलब ज्यादा हार्ड होते नहीं, नाइफ से भी कट जाते हैं। ठीक है, स्टेट दिया हुआ है, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में मेटल सॉलिड रहता है, लेकिन एक्सेप्शन में मर्क्यूरी है हमारे पास। फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है मेटल्स का, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, सोडियम पोटेशियम, सीजियम और गैलियम भी है। ठीक है, यहाँ मैंने उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया हुआ है। डेंसिटी मेनली हाई डेंस होता है ना, हाईली डेंस होता है, लेकिन कुछ डेंसिटी नहीं भी होती किसी किसी मेटल्स की, वो कम डेंसिटी वाले भी होते हैं। सोनोरस, मेटल्स आर मेनली सोनोरस, हिट करने पे साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और कलर मेनली सिल्वर कलर की होता है, ग्रे कलर की होता है, उसमें से कुछ मेटल्स जो होता है वो गोल्डन कलर के भी होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे पहले हमें दिया हुआ है दैट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, सोडियम अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो Na2O बनाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन हमारे पास दो है, तो दो यहाँ लगा लेंगे, सोडियम हमारे पास चार है। ठीक है, तो सोडियम अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम ऑक्साइड बनाता है, और वैसे ही पोटेशियम भी है, पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो K2O बनाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, दो ऑक्सीजन है, दो यहाँ लगा दिया, चार हो गया, चार यहाँ लगा दिया। तो पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, ये दोनों ही मेटल बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। कैसे बेटा, हाईली हाईली रिएक्टिव है ये मेटल्स, हाईली रिएक्टिव है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मतलब आग लग जाती है इनमें, बहुत ज्यादा फायर निकालने लग जाते हैं अपने अंदर से, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए क्या करते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। देख लीजिएगा स्पेलिंग एक बार, केरोसिन ऑयल में इसको कैप करके रखते हैं। केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, ताकि इनका ऑक्सीडेशन ना हो, एक लेयर चढ़ जाए केरोसिन की, इनका ऑक्सीडेशन ना हो और इनमें आग ना पकड़े। ठीक है, लेकिन वही कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Al2O3। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन ये आग को कैच नहीं करता क्योंकि एल्यूमिनियम उतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन, यहाँ पर आ जाएगा दो, और ये हो जाएगा हमारे पास चार। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो एल्यूमिनियम उतना हाईली रिएक्टिव नहीं है, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, तो वो आग लगा देते हैं, बिल्कुल उनमें से आग निकलना चालू हो जाती है। एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, विच इज अ मेटल ऑक्साइड, उसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, एक नॉर्मल मेटल ऑक्साइड बन जाता है। जैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स है, आयरन में भी अगर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो है ना फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ऐसे करके बन जाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन, कोई भी मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, जैसे कुछ मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बेस बनाते हैं, यानी कि कह सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ ही के साथ इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है,
मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम रिएक्शन करेगा कोल्ड वाटर, यानी कि ये दे दिया है ना, तो इसके नीचे कोल्ड लिख देता हूँ मैं, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा, एक सेकेंड, बनाएगा NaOH, ठीक, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इसको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगा लीजिए तो सोडियम यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2 लगा लेंगे तो ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम भी अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो वो KOH बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो सिमिलरली इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा, ये भी कोल्ड वाटर के प्रेजेंस में होता है, ये भी ठंडे पानी में ही रिएक्शंस होती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होता है जो कि थोड़ा सा इनको रिएक्शन करने के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पानी थोड़ा सा गर्म रहेगा ना तो ही वो आपस में रिएक्ट करेंगे, नहीं तो वो आपस में रिएक्शन भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कभी भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर पाता, उसके लिए पानी को क्या होना पड़ेगा, गर्म होना पड़ेगा, तो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है, गर्म पानी से रिएक्शन करता है, तो वो भी हमारे पास क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज कर देता है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है, मतलब गर्म पानी से अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो बनाता है MgOH का होल ट्वाइस और साथ में रिलीज कर देता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब इसको बैलेंस कर लीजिए, मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हम कितना ले लेंगे, 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया ये कंडीशन में, ठीक है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ स्टीम से ही रिएक्शन करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जब पानी गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगा, तभी उससे रिएक्शन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए 2 हो गए, एक तो कोल्ड वाटर वाला यहां तक हो गया एग्जाम्पल, हॉट वाटर का एग्जाम्पल ये हो गया, मेरे ख्याल में सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने बताया कुछ मेटल सिर्फ स्टीम में ही रिएक्शन करते हैं, है ना, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है इसका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कब रिएक्शन करेगा, जब स्टीम रहेगा, तो बहुत ज्यादा गर्म पानी करके भाप बन जाएगा ना, तभी वो रिएक्शन करेगा और बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और क्या रिलीज कर देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। जी एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए एल्यूमिनियम है, सॉलिड एल्यूमिनियम है, इसका रिएक्शन कर दिया हमने स्टीम के साथ, तो है तो वो वाटर ही एक प्रकार का, लेकिन मैं स्टीम लिख देता हूँ नीचे, इसके साथ रिएक्शन किया, बनाएगा Al2O3 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दी। तो एल्यूमिनियम कितना है, 2, यहाँ लगा दिया मैंने 2, ऑक्सीजन कितना है, 3, तो मैंने यहाँ लगा दिया 3। अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन हो गया हमारे पास 6, देखिए यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ। तो एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ठीक है, तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड एक प्रकार का, और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो मेटल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम था, हाईली रिएक्टिव था, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लिया, फिर आया हमारे पास मैग्नीशियम, तो थोड़ा सा मॉडरेट है मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम में गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए पानी तब रिएक्शन करेगा। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, तो रिएक्शन कराने के लिए करना पड़ता है, वाटर का स्टीम बना दिया, सोचिए बहुत ज्यादा गर्म कर दिया है पानी, स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, वो स्टीम से ही रिएक्शन करेगा, नहीं तो रिएक्शन नहीं करेगा। तो एल्यूमिनियम जो है वो स्टीम से रिएक्शन करके वहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद द डाइल्यूट एसिड। देखिए मेटल का रिएक्शन कराना है डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, अब कोई भी एक मेटल ले लीजिए, वैसे तो मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं मेटल है किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, या ऐसे लिख लीजिए एसिड लिख के, अब उसके बगल में एक्वस भी लिख सकते हैं, जैसे H2SO4 एक्वस, तो समझ में आ जाएगा डाइल्यूट एसिड है, उसके नीचे आप लिख सकते हैं उसका नाम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। चलिए तो रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले बनाएगा सॉल्ट, ठीक है, और साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं हमारे पास जिंक है, जिंक का रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 के साथ, और मैंने यहां लिख दिया AQ, AQ मतलब होता है एक्वस, मतलब पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाला हुआ है, ठीक, पानी में सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाएगा, बनाएगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ऐसे कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करता है इनके साथ तो सेम हाल होना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन करा लेते हैं HCl के साथ कर लीजिए, चलिए तो हमने एक्वस फॉर्म में, मतलब इसको बोलेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या बनाएगा, बनाएगा NaCl, बनाएगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए टू यहाँ लगाना पड़ेगा, टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा और टू यहाँ भी लगाना पड़ेगा, बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। तो सोडियम किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बढ़ते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया क्या है, देखिए एक्वारेजिया ना एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होता है, किसका, HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, और साथ में होता है उसके HCl, मतलब नाइट्रिक एसिड और साथ में HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रेशियो लेना है हमको 1:3 में। जब भी 1:3 फॉर्म में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया जाता है इसको हम कहते हैं एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया काम क्या आता है, देखिए कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड HCl जो एसिड होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड सिल्वर इन सब के साथ रिएक्शन करता है। इनकी जो अपर कोरोजिव लेयर होती है उस कोरोजिव लेयर को हटा देता है और एक नई शाइन दे देता है पूरे के पूरे गोल्ड को या जो भी हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो व्हाट इज एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड दैट नाइट्रिक एसिड एंड HCl इन द रेशियो ऑफ 1:3। अगर एक वॉल्यूम इसका है तो तीन वॉल्यूम हमारे पास HCl के होने चाहिए। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया किस काम में आता है, जो अपर लेयर होती है गोल्ड की, जो भी मेटल की जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी अपर लेयर को हटाने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज ना मेटल की रिएक्टिविटी को डिफाइन करता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक से मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये पहले हम हिंदी में एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, जैसे कि क्या हम जो भी एलिमेंट का सिंबल है ना उसके वर्ड को हिंदी में बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने लिख लिया जैसे के, फिर आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा बा, एक मिनट, फिर आ जाएगा बा का मग अल जन, फिर आ जाएगा फे, फिर को नी सन, फिर आ जाएगा पब। इसके बाद आएगा हा, हा मतलब हाइड्रोजन, मतलब आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स आ गए। कौन कौन से, जैसे के को हमने बना लिया, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब ना सोडियम, Ba बा होता है ना बैरियम, Ca मतलब कैल्शियम, मग Mg मैग्नीशियम, अल एल्यूमिनियम, जन जिंक, फे Fe आयरन, को कोबाल्ट, नी निकल, सन SN, पब PB, PB मतलब लेड, SN मतलब टिन, है ना, मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। ह ह मतलब हाइड्रोजन, मतलब ये जो जितने भी हाइड्रोजन के पहले लिखे वाले हैं ये जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं ना इनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। हाइड्रोजन के पहले जितने लिखे हुए हैं ना सबकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम, ठीक है, बैरियम उससे कम, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ऐसे धीरे धीरे रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर एक पॉइंट पे आ जा रहा है क्या हमारे पास, हाइड्रोजन। एक पॉइंट पे हमारे पास क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही क्यों देख रहे हैं, देखिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी तक आप देख रहे थे कि जो डाइल्यूट एसिड है वो सभी मेटल के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे, तो डाइल्यूट एसिड से जो ज्यादा रिएक्टिव है ना वो हाइड्रोजन के मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे, मतलब जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे डाइल्यूट एसिड के साथ। बट जैसे जो लेस रिएक्टिव है, एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा गोल्ड सिल्वर, इनके लिए आपको क्या बनाना पड़ गया, एक्वारेजिया बनाना पड़ गया इन मेटल के साथ रिएक्शन करने के लिए। कंसंट्रेटेड एसिड चाहिए आपको इसके लिए रिएक्शन करने के लिए। सो कुछ जो मेटल्स है जैसे ये हमने लिखे हुए यहाँ पे लाइन से पोटेशियम सोडियम इसी सीरीज में,
ये सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे। जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे वो लीस्ट रिएक्टिव है, जो एसिड से रिएक्शन कर ले रहे थे वो हाईली रिएक्टिव है या मॉडरेट रिएक्टिव है। देखिए जो स्टार्टिंग के चार है ना, ये है हाईली रिएक्टिव। जो स्टार्टिंग के चार हैं ये क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव। इसके बाद जो बच रहे हैं ये है थोड़े से मॉडरेट रिएक्टिव, मतलब ना ज्यादा बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ये मॉडरेट है, मॉडरेट रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ गया हाइड्रोजन, इसके बाद आ जाएगा, ह के बाद आएगा कू, हज, अज, ओ, फट। अब इसका मतलब क्या है, कू मतलब हो जाएगा कॉपर, हज मतलब हो जाएगा मर्क्यूरी, अज मतलब हो जाएगा सिल्वर, ओ मतलब हो जाएगा गोल्ड, फट मतलब हो जाएगा प्लेटिनियम। ये जितने भी बचे हुए एलिमेंट्स हैं या जो मेटल्स हैं ये सारे के सारे लेस रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है, दैट इज H2SO4। ये H2SO4 जिंक से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnSO4। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, डाइल्यूट एसिड रहना चाहिए यहाँ पे और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन यही मेटल जैसे कि मान लीजिए H2SO4 है, और अगर यहाँ पे हमारे पास कॉपर है, सेम एसिड अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। क्यों नहीं करेगा रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर का जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है, जिंक की ज्यादा है। देखिए जिंक पहले लिखा हुआ है, जिंक कहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन के पहले आ रहा है। देखिए सिक्वेंसिंग में, सिक्वेंसिंग ऐसे चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे करके सिक्वेंसिंग बढ़ रही है। तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई वहां पे हाइड्रोजन और जिंक में डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। कॉपर और हाइड्रोजन में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव वेयर एज जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर आर लेस रिएक्टिव। अब कुछ मेटल ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, कुछ मेटल लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो वो मेटल है। ज्यादा अच्छा मेटल कौन होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, और जो इलेक्ट्रॉन को देरी से लूज करेगा ना वो उतना अच्छा मेटल नहीं होगा, मतलब वो लेस रिएक्टिव मेटल होगा। व्हाट इज हाईली रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या है, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मोर रिएक्टिव। और जो लेस रिएक्टिव है उसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं करें, जो इलेक्ट्रॉन को देरी से लूज करें उसको बोलेंगे नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन इजीली। जो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव ना करें उसको हम बोलेंगे लेस रिएक्टिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसको हम बोलेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल। और द मेटल विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जैसे कि हमने वहां देख ही लिया था, जैसे कि क्या आ रहा था, कॉपर आ रहा था, सिल्वर आ रहा था, मर्क्यूरी आ रहा था, गोल्ड आ रहा था, प्लेटिनियम आ रहा था, ये सारे लेस रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। और मेटल विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे। बहुत सारी लिस्ट थी, सोडियम पोटेशियम जिंक आयरन, अब मुझे सिक्वेंसिंग यहाँ फिर से याद नहीं आ रही है, बट स्टिल ये सारे हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेंगे, मतलब एसिड से रिएक्शन कर लेंगे, बट ये जो यहाँ पे है ये रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, मान लेते हैं हमारे पास जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, बनाएगा जिंक सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और कॉपर को निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, कॉपर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है, और जिंक थोड़ा सा सिल्वर या ग्रे कलर का होता है, रिएक्शन करेगा, ग्रे कलर का होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएंगे विच इज कलरलेस, और कॉपर वहां से निकल जाएगा जो कि हल्का सा रेडिश कलर का रहेगा। ठीक है, ये भी है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और वो कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वहां पे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ये। आगे बढ़ते हैं,
रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, कोई भी अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? देखिए, कोई भी अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? सॉल्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल क्या है, बहुत आसान आसान एग्जांपल है, सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है NaCl। ज्यादा एग्जाम्पल लेने की जरूरत भी नहीं है, कुछ खास बैलेंस कर लेते हैं, दो यहाँ लगेगा दो यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट बनाएगा, जब भी कोई मेटल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम मेटल कैसे रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ। देखिए, सारे मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही हैं वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं और वो बनाते हैं हाइड्राइड। देखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, वैसे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेकिन चलिए मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होता है वो रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ और बनाते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या, हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव में क्या आता है? सोडियम आ गया, सोडियम रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ तो बनाएगा NaH। बैलेंस कर लीजिए, इसे सोडियम एक है, सोडियम एक हाइड्रोजन दो, यहाँ बैलेंस किया दो तो सोडियम यहाँ भी कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा, ठीक है। तो सोडियम रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ, बनाएगा सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाएगा बेटा? सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। क्लियर हो गया? चलिए, कुछ होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, आप देखिए ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा। विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, अभी आपको पढ़ाया हुआ है वहां से आप देख लीजिए, फिर से इसका आंसर करिए। नेम द टू मेटल विच डू नॉट डिजोल्व इन एनी अदर सोल्यूशन बट गेट डिजोल्व इन एक्वेरिजिया। ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो किसी में डिजोल्व नहीं होते बट एक्वेरिजिया में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, याद कीजिए आंसर करिए। मोस्ट एम्बुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? व्हाई सोडियम केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल के अंदर ही हम सोडियम को क्यों रखते हैं, ये भी बताया हुआ है, ठीक है। अब आंसर करिएगा इसका खुद से आंसर, ये शायद पूरा नहीं है, ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द मेटल विच कैन बी इजिली कट विद द नाइफ, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स के नाम लिखना है। ये होमवर्क है आपके लिए, कंप्लीट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आज यहाँ पर एक पार्ट खत्म हो गया है, अगले पार्ट में हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मेटलर्जी और आगे आगे चैप्टर को लेके चलेंगे। थैंक यू।